रोड नंबर 2 आज़ाद नगर में मार्केट है, करीब 400 मीटर के दायरे में। उसी मार्केट में एक लेडीज़ कॉर्नर दुकान में समीर खान नाम का लड़का काम करता था। उसके बगल में नसीम खान और परवेज खान का घर है। ये लड़के उदंड हैं। ये लड़कों से उस लड़के का समीर खान का जान पहचान सिंपली था। कल शाम में इस लड़के को नसीम और परवेज मिलकर बुरी तरह मार दिए, जिस इतना बुरा मारे कि वो बेहोश हो गया लड़का ऑन स्पॉट। उनको तुरंत लोग टीम से इलाज में ले गया। इलाज के में चले जाने के कारण इमीडिएट पुलिस को खबर नहीं मिली। बाद में जब उनके परिजन को आए थाना पर तो बताए कि ये हालात है। उसके बाद हम लोगों ने इमीडिएट केस किया। केस करके बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक जो बात आई गिरफ्तारी के बाद और ये अनुसंधान में पता चला कि नसीम 500 रुपया दिया था मृतक को, 500 में वो 400 रुपये लौटा दिया था, मात्र 100 रुपये उसके ऊपर बाकी था। नसीम खान कल उस पैसे को मांगा। इसी बात को लेकर थोड़ा सा कुछ दोनों में बकझक हुई। बेस बैट लाया और हेड में मार दिया। हेड ने 2-3 साइड से मारा था। प्राइमा फेसी हेड इंजरी के कारण ही वो लड़का इमीडिएट बेहोश हो गया और बहुत सीरियस हालात में था। कल से आज सुबह तक उसका इलाज चला TMH में। आज 11 बजे के आसपास वो एक्सपायर कर गया। हाँ, पुलिस दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ली है, उसे जेल भेजा जा रहा है।